आंटी नहीं, याद क्या कर वो सब, भूल जाओ उस मनोज दिन को, कभी दिमाग में आए भी ना तो ध्यान कहीं और लगा लिया कर। मैं पूर्वी को इस घर में वापस लाया हूं बदला लेने के लिए। ये खुशी जिसे बदला लेने के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स लेके मेरे पास आई थी, उसके इतने गट्स इतनी हिम्मत कि मेरे ऑफिस आ गई तलाक के कागज लेके। यस, पूर्वी से तलाक के कागज लेके आई थी वो। अरे मेरा बदला तो तब पूरा होता जब वो खुशी मेरे पैरों पे गिर के मुझसे माफी मांगती। आंटी नमस्ते। नमस्ते जी, आपने शायद मुझे, मतलब शायद आपको मैं याद नहीं होगी। या कौन हो तुम? याद तो तुम मुझे तब होगी ना अगर मैं तुम्हें जानती होंगी। मुझे तो आइडिया ही नहीं तुम हो कौन। मैं खुशी। अच्छा है नाम तुम्हारा। अगर आपको वो दिन याद है, I'm pretty sure आपको वो दिन याद, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दिन, इनफैक्ट आपकी पूरी फैमिली के लिए वो एक बहुत बड़ा दिन था। जब राजवंश की शादी हो रही थी एक लड़की से, मंडप में पुलिस आ गई और वो शादी हो नहीं पाई। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? नहीं जानना है मुझे ये सब कुछ। मैं अपने अतीत को अतीत ही रखती हूँ, उसे मेरे आज में नहीं ले आती। वैसे अच्छा है तुम्हें बहुत कुछ पता और बहुत कुछ याद भी है। और कुछ? जी एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना है, आपको कुछ समझाना है। मुझे कुछ नहीं समझना और ना ही मुझे कोई सफाई चाहिए। दी, खुशी दी, अब दी तो मम्मी जी से मिली? नहीं, तुम्हारी शादी वाले दिन तो ये थी नहीं, और फिर उसके बाद मिलने का मौका ही नहीं मिला। आज पहली बार ही मिल रही हूं मैं इससे। खुशी, तुम अतीत के बारे में कुछ बताना चाहती थी ना, तो बोलो। अतीत? कैसा अतीत? हाँ अतीत, आरवी के शादी के बारे में कुछ बताना चाहती थी। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे ये सब बातें करनी नहीं है, पर आप सोच रही हो कि तुम यहाँ आ ही गई हो तो बात कर ही लेते हैं। तो बोलो तुम क्या बताना चाहती थी।